तो चलिए देखते हैं कि हमारे पास गेट एक्सेल के सिलेबस है, यहाँ पे केमिस्ट्री है। केमिस्ट्री में अगर आप देख पाओगे तो क्या है, ठीक है, यहाँ पे केमिस्ट्री है। अगर आप देख पा रहे हैं तो मेरे पास जो है एटॉमिक स्ट्रक्चर एंड पीरियोडिसिटी है, राइट। तो इस केसेस में जब हम जरा सा सॉल्व करें, मैं थोड़ा सा और जूम कर लेता हूँ सो दैट आपको कोई इशू ना हो, ठीक है। तो हमारे पास गेट एक्सेल का सिलेबस है और ये केमिस्ट्री का सिलेबस है। ये कंपलसरी है किसके, सारे कैंडिडेट्स के लिए। दिस इज कंपलसरी फॉर ऑल कैंडिडेट्स, राइट। अब ये सारे कैंडिडेट्स के लिए कंपलसरी है। और एटॉमिक जो है स्ट्रक्चर्स, पीरियोडिसिटी, स्ट्रक्चर ऑफ बॉन्डिंग जो आप देख पा रहे हैं, राइट, तो ये चीजें जो है आपको मिल रही है यहाँ पे। ये है स्ट्रक्चर बॉन्डिंग, एटॉमिक स्ट्रक्चर एंड पीरियोडिसिटी, ये सब देख सकते हैं आप। एंड अपार्ट फ्रॉम ये जो है एसपी ब्लॉक एलिमेंट्स भी आपको मिल रहे हैं। तो ये सब कुछ स्पेसिफिक टॉपिक्स है केमिस्ट्री के लिए, देख सकते हैं। हमें फिलहाल के लिए हम क्या देखने वाले हैं कि आखिर कौन कौन से सेक्शन जो है हमें जरूरी है, खासकर बॉटनी जूलॉजी के लिए। तो केमिस्ट्री में कुछ यही बेसिक चीजें हैं, देख सकते हैं आप, ठीक है, तो इनको सॉल्व कर लिएगा। चलिए, इवन केमिस्ट्री ऑफ बायोमोलिक्यूल्स भी इसमें दिया हुआ है जो कि आपके टेक्निक्स में इंक्लूड होता है। चलिए मैं शुरू कर रहा हूं, कौन सा सेक्शन, यस दिस वन, एक्सएल क्यू, दैट इज बायोकेमिस्ट्री। बायोकेमिस्ट्री में अगर आप देखोगे तो आपके पास इंपॉर्टेंस ऑफ वाटर, स्ट्रक्चर, ये सारे जो टॉपिक्स मेंशन आउट है, ये सारे टॉपिक्स हैं। इसके साथ साथ कौन से टॉपिक्स हैं, एंजाइम काइनेटिक्स के, ठीक है ना, ये कुछ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लाइफ के क्वेश्चंस है, कुछ प्रोटीन स्ट्रक्चर्स और फोल्डिंग के क्वेश्चंस है, कुछ जो है आपके पास एंजाइम रिलेटेड थे, रेगुलेशंस थे, इनहिबिशंस था, विटामिंस और को एंजाइम से रिलेटेड प्रॉब्लम्स है। इसके अलावा जो है टीसीए साइकिल, पीपीपी, ये सब पाथवेज है पूरे के पूरे, इससे भी रिलेटेड क्वेश्चंस आए हैं। इसके अलावा जब हम बात करेंगे तो हमारे पास जो है दिस लाइक बायोकेमिकल सेपरेशन टेक्निक्स, एज यू कैन सी वी हैव बायोकेमिकल सेपरेशन टेक्निक्स एज वेल। हमारे पास क्या है, बायोकेमिकल सेपरेशन टेक्निक्स है। बायोकेमिकल सेपरेशन टेक्निक्स अगर आप देख रहे हैं ये भी आपके पास अवेलेबल है। यू हैव लॉट्स ऑफ टेक्निक्स हियर, आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी, ये सब मैं क्यों बता रहा हूं अभी आपको पता चल जाएगा कैसे सिलेक्शन करना है। सारे क्वेश्चंस आते हैं इसमें, सिलेबस एनालिसिस में सेक्शन 4 है, सेल स्ट्रक्चर एंड ऑर्गेनेल्स, ठीक है, ये हो सकते हैं। डीएनए रिप्लिकेशन ट्रांसक्रिप्शन अगर आप देख पा रहे होगे तो डीएनए रिप्लिकेशन ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन से रिलेटेड क्वेश्चन आ रहे, ठीक है। पूरा का पूरा मॉलिक्यूलर बायोलॉजी है, सेल बायोलॉजी, ठीक। इसके अलावा जब आप देखोगे तो टेक्निक्स, एंजाइम्स एंड पाथवेज एंड द बेसिक्स ऑफ द बायोकेमिस्ट्री, प्रोटीन्स एंड ऑल, ये सारे चीज किसमें है, ये सारी चीज जो है आपके बायोकेमिस्ट्री में है। इन सब के अलावा जो है दिस लाइक इम्यून सिस्टम एज वेल, ये सेक्शन 6 में, ये बायोकेमिस्ट्री का सेक्शन है जिसमें अगर आपके पास देखे तो बेसिकली 6 सेक्शंस है। एक बेसिक बायोकेमिस्ट्री, एक सेल बायोलॉजी, एक पाथवेज, एक मॉलिकुलर बायोलॉजीज और एक इम्यून सिस्टम वाला पार्ट। आप जरा सा बॉटनी देखो, बॉटनी में जो है डाइवर्सिटी का केस है पूरा का पूरा। ये किस किस का है, डाइवर्सिटी का, अगर आप देखोगे सो दिस केस फॉर डाइवर्सिटी, इसको आपको अलग से पढ़ना पड़ेगा बॉटनी में। एनाटॉमी अगेन आपको अलग से पढ़ना पड़ेगा, एक्स्ट्रा टॉपिक है, ठीक है। इसके अलावा प्लांट डेवलपमेंट, टिश्यू मॉर्फोजेनेसिस, ये एक अलग टॉपिक आता है, पूरा प्लांट का अलग है। लेकिन यहाँ पे कुछ पाथवेज है, खासकर कुछ पाथवेज, नॉट ऑल द पाथवेज, वो आपको यहाँ भी कॉमन मिलेंगे, रिस्पिरेटरी पाथवेज जो होते हैं। लेकिन जो आपके ये साइकिल्स होते हैं ये खासकर प्लांट्स में मिलते हैं, ठीक है ना। तो इवन अपार्ट फ्रॉम ऑल दिस ये आप देख सकते हैं। नाउ इसके साथ दिस वन, ये वाला जो सेक्शन है जेनेटिक्स एंड जीनोमिक्स, ये सेक्शन क्या है, ये सेक्शन स्पेसिफिकली कॉमन था बायोकेमिस्ट्री और यहां पे थोड़ा सा अलग है, बहुत थोड़ा, लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस में कॉमन होते। तो जो आप वहां पढ़ेंगे वही लगभग लगभग यहां पे भी हो जाएगा। इसके अलावा ब्रीडिंग और इसका कॉन्सेप्ट तो थोड़ा सा अलग होता ही है, ब्रीडिंग वाला, जेनेटिक वाला। तो आप देखो कि बायोकेमिस्ट्री और बॉटनी में काफी अलग चीजें हैं थोड़ी सी, इकोनॉमिक बॉटनी, अप्लाइड बॉटनी, प्लांट पैथोलॉजी, इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट, यहां पे ये चल रहा है। बॉटनी का सेक्शन काफी बड़ा है,
एज कंपेयर टू द बायोकेमिस्ट्री। और बॉटनी में जो पढ़ रहे हैं वो सिर्फ बॉटनी में ही आएगा और दूसरे सेक्शन में नहीं आएगा। तो ऐसा नहीं कि आप लोगों को नहीं पढ़ना चाहिए, बिल्कुल पढ़ना चाहिए अगर आपको समझ में आता है तो। जरा सा बॉटनी के बाद माइक्रोबायोलॉजी देखो। अब बॉटनी माइक्रोबायोलॉजी पढ़ने बायोकेमिस्ट्री पढ़ने के बाद माइक्रोबायोलॉजी लेने का फायदा क्या है, क्योंकि आप में उसमें भी टूल्स एंड टेक्निक्स थे, इसमें भी टूल्स एंड टेक्निक्स है। माइक्रोस्कोपी, पीसीआर, देखो मेथड्स इन माइक्रोबायोलॉजी। माइक्रोबायोलॉजी में भी वो टेक्निक्स तो अप्लीकेशन तो वही होगा, पीसीआर बदल थोड़ी जाएगा, ठीक है ना। तो लगभग यही होता है। डाइवर्सिटी ऑब्वियसली बात है, इसका अलग है। अब सेल स्ट्रक्चर प्रोकैरियोट्स का, ये भी कैसा होगा, ऑब्वियसली बात है कि थोड़ा सा सिमिलर ही होगा, लेकिन प्रोकैरियोट्स में थोड़े अलग होते। अब वहीं पे माइक्रोबियल ग्रोथ, इसमें आ जाता है आपका कीमोस्टेट वगैरह, इससे क्वेश्चंस आते हैं। कंट्रोल एंड मेटाबॉलिज्म, अगेन माइक्रोबियल मेटाबॉलिज्म, द सेम एज इन बायोकेमिस्ट्री एज वेल। ग्लाइकोलिसिस बदल थोड़ी जाएगी, ठीक है। टीसीएसआई के लिए सब जो है फर्मेंटेशन, पीपीपी, ये सब यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं। तो अब देखो कुछ सेक्शंस ऐसे हैं जो बायोकेमिस्ट्री में, जैसे मेटाबॉलिज्म है, जेनेटिक्स का पोर्शन है, अपार्ट फ्रॉम दिस दिस पोर्शन, स्ट्रक्चर पोर्शन, टेक्निक का पोर्शन, ये सब क्या है, थोड़े से कॉमन है। तो फ्रॉम ऑल दिस, इन सब चीजों की वजह से क्या कर सकते हैं, आप देख सकते हैं कि आपको क्या ऑप्ट करना है, बायोकेमिस्ट्री के साथ माइक्रोबायोलॉजी या बॉटनी। यस, ऑब्वियस ही बात है, थोड़े से सेक्शंस अलग होते हैं, जैसे कि एंटीबायोटिक्स का सेक्शन अलग है, ठीक है, और माइक्रोबियल जेनेटिक्स का सेक्शन अलग है, ठीक है। तो हम ये भी कर सकते हैं, राइट। इकोलॉजी इज ऑल्सो देयर, साइकिल्स वगैरह आते, ये कर सकते हैं। अब जूलॉजी देखो, जूलॉजी तो और यूनिक है। डाइवर्सिटी तो चलो ठीक है, पढ़ना ही पड़ेगा, कुछ कर नहीं सकते, इवोल्यूशन पढ़ना ही पड़ेगा। जेनेटिक्स पूरा का पूरा किसका है, जो हम बायोकेमिस्ट्री में पढ़ते, पूरा पूरा जेनेटिक्स कॉमन था। बायोकेमिस्ट्री एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी पूरा पूरा वही है, न्यूक्लिक एसिड, कार्बोहाइड्रेट, रेप्लिक, सब कुछ वही है जो कॉमन है, ठीक है। इसके अलावा सेल बायोलॉजी, जीन एक्सप्रेशन इन यूकैरियोट्स, ये सब कॉमन था किससे, बायोकेमिस्ट्री से। इसलिए बायोकेमिस्ट्री के साथ बेस्ट कॉम्बिनेशन बनता है जूलॉजी का या माइक्रोबायोलॉजी का, अगर आप लेना चाहे तो। बॉटनी के साथ भी कुछ चीजें कॉमन है, लेकिन बॉटनी में जो चीजें हैं वो काफी वाइड भी होती हैं और साथ ही साथ जो है वो सबसे सिमिलर नहीं होती। अगर आप बायोकेमिस्ट्री ले रहे हैं तो जूलॉजी के साथ जाइए या माइक्रो के साथ, और अगर आपको लगता नहीं बायोकेमिस्ट्री के साथ बॉटनी लेना है तो भी ले सकते हैं, नो डिफिकल्टीज, नो नथिंग एल्स। ये बस इसलिए बताया जा रहा है ताकि अगर आपको ऐसा लगे कि नहीं मुझे कम मेहनत करके दो सेक्शंस को मैं टारगेट कर सकूं, और मैं हमेशा बोलता हूं गेट एग्जाम में तीन सेक्शन टारगेट करिए रेदर देन दो, क्योंकि कई बार क्या होता है क्वेश्चन जो होता है ना वो थोड़ा सा टिपिकल आ जाता है किसी किसी सेक्शन का, भले आप कितनी तैयारी करके जाओ, तो वहां पे आपके पास एक बैकअप रहता है कि चलो ठीक है यार, अगर पता लगा कौन जूलॉजी पढ़ के गया लेकिन वो डिफिकल्ट आ गया, लेकिन माइक्रोबायोलॉजी तो इजी आ गई, तो हमने वो पढ़ के जो है क्रैक कर लिया। तो आपके पास मेरे हिसाब से दो अच्छे बेस्ट ऑप्शन है, बायोकेमिस्ट्री प्लस बॉटनी एंड बायोकेमिस्ट्री प्लस जूलॉजी। माइक्रोबायोलॉजी थोड़े से लोग कम पढ़ते हैं और थोड़े से इंफॉर्मेशन उसमें ज्यादा होते हैं याद रखने के, इवन सभी में है बट उसमें थोड़े ज्यादा है। तो इस वजह से मैं यही आपसे कहूंगा कि ये या तो बायोकेमिस्ट्री के साथ बॉटनी या जूलॉजी, या अगर तीन टारगेट कर रहे हैं बायोकेमिस्ट्री बॉटनी जूलॉजी या बायोकेमिस्ट्री माइक्रोबायोलॉजी जूलॉजी, ठीक है, क्योंकि बायोकेमिस्ट्री के सेक्शंस आपको मिलेंगे ही मिलेंगे सभी में, ठीक है। इसके अलावा एक सेक्शन जो आपको आता है वो कौन सा है, वो आता है दैट इज योर फूड टेक्नोलॉजी। ये जनरली वही लोग टारगेट करेगा जो फूड पढ़ता है, तो अगर फूड पढ़ रहे हो आप तो आप इसको टारगेट कर सकते हैं, आप तो आपके ऊपर है कि आप अगर इसको टारगेट करना चाहते कि नहीं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो में आपको क्लियर हो गया होगा सिलेबस के साथ, कि मैंने दिखाया एक एनालिसिस करते हुए कि आखिर कौन से वो पर्टिकुलरली कॉम्बिनेशन है जो आप ऑप्ट कर सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, ताकि मैं जो है ऐसे वीडियोज लेके आता रहूं। तब तक ले मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट।